हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो बच्चों अभी अभी 12th बोर्ड्स के रिजल्ट्स आए हैं आप लोगों के। नीट का भी अब एग्ज़ाम हो चुका है, सभी बच्चों को पता चल गया है अपना अपना परफॉर्मेंस कि 11th 12th में हमने कैसा किया, क्या किया। नीट का हमारा जो स्कोर है वो हमें इस साल मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन दिलवा रहा है या नहीं। और ये जो टाइम होता है ना बच्चों रिजल्ट्स का, एग्ज़ाम्स का, ये आप लोगों के लिए बहुत ही मतलब ऐसा होता है जब आपको ऐसा लगता है यार हमारे सपने टूट रहे हैं, लगता है ना ऐसा कि हमने बहुत कुछ सोच के इस फील्ड में एडमिशन लिया था, हम इस फील्ड में आए थे, बट ये क्या, अब तो हमारे सामने एक बिग क्वेश्चन मार्क है। वी डोंट नो कि कैसे हम अपने ड्रीम्स को आगे परस्यू करें। अगर आपका नीट में इस बार कम स्कोर है और आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं एक ड्रॉप और ले लूं, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आपके सामने ये होगा कि अगर नेक्स्ट ईयर भी हमारा नहीं हुआ तो क्या, क्योंकि नीट का कट ऑफ लगातार बढ़ता जा रहा है। कई जनरल कैटेगरी में तो 600 मार्क्स लाने के बाद भी, 600 मार्क्स लाना कोई छोटी बात नहीं है बच्चों, 550 to 600 तक जो भी बच्चा मार्क्स अचीव करता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पर इतने मार्क्स लाने पर भी, जी जान मेहनत करने के बाद भी, अगर मान लो किसी वजह से आपको नहीं मिल रहा है कॉलेज, तो क्या आपके पास और ऑप्शंस हैं क्या उसी तैयारी के बेसिस पर जो आपने नीट के लिए की थी? कुछ अच्छी स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आप बहुत अच्छे कोर्सेज परस्यू कर सकते हैं? बिल्कुल बच्चों, इसका आंसर बिल्कुल यस है। बस सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस की कमी की वजह से आपको पता नहीं होता है उन करियर ऑप्शंस की वजह से, इसलिए आप निराश हो जाते हैं, डिमोटिवेटेड फील करते हैं और आपको लगता है कि यार बायोलॉजी लेकर तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों, मैंने बहुत ही मेहनत से ये सारे फील्ड्स के बारे में, जो भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, मैं सबके बारे में आपको बताऊंगी इंडिविजुअली कि कहाँ कहाँ जाके आप इनकी ऑफिशियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, कैसे आप इन फील्ड्स में जा सकते हैं, वो कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो 12th बायोलॉजी का बच्चा परस्यू कर सकता है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे बच्चों, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन डॉक्टर बनने के लिए नीट के बारे में बहुत ही ब्रीफली बताऊंगी, क्योंकि इस ऑप्शन के बारे में तो अक्सर हम इसी चैनल पर बात ही करते हैं। हमारा ये जो चैनल है, हमारा कंपटीशन है, हम आपको नीट की प्रिपरेशन करवाते ही हैं, तो इसके बारे में बिल्कुल ब्रीफ बात करके विल डिस्कस अबाउट द CUET IAT IISER एप्टीट्यूड टेस्ट जो कंडक्ट होता है, NEST जो कि नाइजर भुवनेश्वर करवाता है, देन IISER बेंगलुरु, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम कॉलेज होता है बच्चों ये, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि इस कॉलेज तक पहुंचा कैसे जाए, तो दैट आई विल टेल यू। फिजियोथेरेपी, आजकल के टाइम में कोई भी मतलब एक्सीडेंटल केस है या कुछ भी है जिसमें हमारी हमको बहुत टाइम बेड पे रहना पड़ा, तो उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, या आजकल बैक एक, सर्वाइकल, ये सब बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो उसके लिए भी फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो फिजियोथेरेपी का कोर्स कैसे किया जा सकता है? अच्छा, एक चीज़ स्पेशली ध्यान रखना बच्चों, ये जो इतने सारे ऑप्शन हमारे पास होते हैं ना, कभी भी हर ऑप्शन सब बच्चों के लिए नहीं होता है बच्चों, हर ऑप्शन के कुछ कॉन्स एंड प्रॉस होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी ऑप्शन में चला गया कि मेरे दोस्त ने कह दिया यार फिजियोथेरेपी बहुत अच्छा कोर्स है तू भी कर ले, नहीं। मैं आपसे इस वीडियो में हर फील्ड के बारे में ये पॉइंट्स बताऊंगी आपको कि जैसे भाई दोनों तरह की चीज़ें होती हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, तो वो स्टूडेंट्स ना अपना मन चाहा कोई पैशन वाला फील्ड है उसमें करियर परस्यू कर सकते हैं। बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके ऊपर आगे जाकर उनको फैमिली की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, तो इसलिए हर कोर्स के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं, आपको सोच समझ के डिसीजन लेना होगा कि ये कोर्स मेरे लिए है कि नहीं। तो वही चीज़ें मैं आपको वीडियो में साथ साथ में बताते जाऊँगी कि क्या किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना चाहिए कि इस कोर्स के लिए आप बने हैं या नहीं, या ये कोर्स आपके लिए है या नहीं, ठीक है? ओके, देन पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में बहुत सुना है आपने, बट एग्जैक्टली कौन से कोर्सेज पैरामेडिकल में आते हैं ये हमें नहीं पता होता है, और उनमें कैसे एडमिशन लिया जाता है ये भी हमें नहीं समझ में आता। तो मैं कुछ ऑथेंटिक वेबसाइट्स आपको बताऊंगी जहां से आप इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं इफ एनी स्टूडेंट वॉन्ट टू परस्यू, ठीक है? नर्सिंग, फार्मेसी, ओके, नर्सिंग को बहुत सारे स्टूडेंट्स एक बहुत ही छोटा ऑप्शन समझते हैं, बट आप देखो ना, आप कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में जाओ तो डॉक्टर्स के साथ जो इतनी बड़ी टीम होती है वो पूरा नर्सिंग स्टाफ ही तो होता है बच्चों, पूरे जो पेशेंट्स का इतना ध्यान रखते हैं, पेशेंट केयर करते हैं, आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, डॉक्टर तो सिर्फ पेशेंट को ट्रीट करके चले जाते हैं। तो इस फील्ड को भी ना अपने आप में एक बहुत ऐसा फील्ड मत लो, अगर तुम्हारे अंदर ऐसा है कि नहीं यार मुझे तो पेशेंट केयर में, मेडिकल फील्ड में जाना है, डॉक्टर बन के ना सही तो नर्सिंग
के फील्ड के थ्रू जाऊं, तो यस आप इस ऑप्शन को भी परस्यू कर सकते हैं. ओके एंड यस, अगर कुछ एनिमल लवर्स हमारे साथ हैं, जिन बच्चों को पेट्स वगैरह बहुत पसंद हैं, है ना, तो वेटरनरी साइंस भी आज के टाइम में एक अच्छा ऑप्शन है. बट यस, स्कोप बहुत लिमिटेड है. तो जो बात मैंने कही कि हर ऑप्शन हर बच्चे के लिए नहीं है, यू हैव टू क्लियर इन योर माइंड. आपको ये सोचना होगा, एनालाइज करना होगा कि मुझे इनमें से कौन सा ऑप्शन चाहिए. ठीक है, तो चलिए तो बात करते हैं हम वन बाय वन सभी ऑप्शंस की. बट यस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले थॉमस एडिसन का एक बहुत ही फेमस कोट बच्चों, आर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाई इन गिविंग अप. The most certain way to succeed is always to try just one more time. You all know Thomas Edison bulb के inventor थे और उन्होंने thousand of attempts ऐसे हुए थे उनसे जिसमें कि वो bulb नहीं बना पाए थे. And उन्होंने खुद कहा कि ऐसा नहीं है कि मुझे bulb बनाना आ गया है, उन्होंने कहा कि मुझे हज़ार वो तरीके आ गए हैं जिनसे bulb नहीं बना सकते. तो सोचिए, जो अपने failures में भी इतना positivity ढूंढ ले, इतना motivation ढूंढ ले, उनको दुनिया कैसे नहीं जानेगी बच्चों. तो आपको भी, जो भी आपके 12th में स्कोर था ना, जो भी आपका नीट का स्कोर है, वो आपका पास्ट है बच्चों. अब उसको लेकर आप बैठे रहो, रिग्रेट करते रहो, तो वो आपको कुछ नहीं सिखाएगा. हाँ, उससे आपको लर्निंग्स लेनी है. एक्चुअली ना, हमारी सोसाइटी में फेलियर वर्ड इतना कॉमन हो गया है, बट एक्चुअली दिस इज़ अ रॉन्ग वर्ड. फेलियर जैसा कुछ नहीं होता बच्चों लाइफ में. जो भी आप जिस भी चीज़ को करने में सक्सेसफुल नहीं होते ना, वो एक लर्निंग होती है, वो फेलियर नहीं है. उसको अपने वोकैबुलरी को चेंज करो, आप उसको लर्निंग कहो कि अच्छा, मैंने इस चीज़ से ये सीखा, मैंने एफर्ट्स किए थे, मुझे उस अकॉर्डिंग नहीं मिला, इसका मतलब मेरे एफर्ट्स रॉन्ग डायरेक्शन में थे. तो अब मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिसके लिए फ्यूचर मेरा अच्छा हो, है ना. तो उसके लिए आपको प्रॉपर पहले तो नॉलेज होनी चाहिए, ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए, तब जाके आप उस फील्ड में परस्यू कर सकते हैं. वही चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. हो सकता है थोड़ा सा लंबा लगे बच्चों आपको वीडियो, बट ऑप्शंस के बारे में अच्छे से जानना है तो थोड़ा सा टाइम आपको निकालना पड़ेगा. ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आते हैं बच्चों, जिन भी स्टूडेंट्स के पास बायोलॉजी था, बट ऑब्वियस बायोलॉजी यही सोच के, हम ज़्यादातर बच्चे यही सोच कर लेते हैं कि यार हमें डॉक्टर बनना है, मेडिकल फील्ड में जाना है. तो ऑल ओवर इंडिया, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए देयर इज़ ओनली वन एग्ज़ाम, दैट इज़ नीट एग्ज़ाम, है ना. ये जो नीट एग्ज़ाम है, NTA करवाता है, यू नो, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इसका पूरा, इसके बारे में आई थिंक मुझे यहाँ पर डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, हर स्टूडेंट को पता है. फिर भी अगर तुम्हें लगता है कोई स्टूडेंट ऐसा है कि नहीं मैम, हमको नीट का थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस वगैरह जानना है, तो मैंने अभी रिसेंटली चैनल पर वीडियो अपलोड किए हैं, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी. नीट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हें चाहिए सब वहाँ अवेलेबल है. ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है, कौन से फैक्टर्स हैं, वो भी मैंने उसमें बताए हुए हैं. ठीक है, ओके. अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी बच्चों कि नीट में इस बार मान लो तुमने 12th के साथ नीट दिया था और तुम्हारा जो भी स्कोर था थोड़ा कम रह गया, अगर मान लो स्कोर, और तुम्हें ये कन्फ्यूज़न है कि यार क्या मैं आयुर्वेदा में, होम्योपैथी में एडमिशन ले सकता हूँ. हो सकता है आपकी फैमिली में कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हों, होम्योपैथ डॉक्टर्स हों, उनकी अच्छी प्रैक्टिस हो और आप उनसे इंस्पायर्ड हों, आप चाहते हो कि यार मैं भी इसमें एडमिशन लूँ, मैं भी कर सकता हूँ ये कोर्स. ठीक है, MBBS नहीं मिल रहा तो बिल्कुल आप उस फील्ड में जा सकते हैं बच्चों. अगर एकदम क्लियर है ना आपके माइंड में कि हाँ यार, इस ऑप्शन के लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ और वो मुझे गाइड करेंगे कि कैसे कैसे मुझे अपना करियर आगे परस्यू करना है, तो बिल्कुल आप इन कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हैं. आपको क्या ध्यान रखना है, जो भी आपका नीट का स्कोर है ना, उसके बेसिस पर एक काउंसलिंग तो करवाएगा MCC बच्चों, जो कि MBBS और BDS में एडमिशन्स के लिए होंगी, एंड आपकी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी इन्हीं के लिए करवाएंगी. ठीक है, एक काउंसलिंग करवाएगा बच्चों आयुष डिपार्टमेंट. ठीक है, ये गवर्नमेंट ने सेंट्रल लेवल पर अलग से आयुष डिपार्टमेंट बनाया हुआ है जिसका फुल फॉर्म होता है आयुर्वेदा योगा नेचुरोपैथी यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी. इतने सारे मोड ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें से यूनानी सिद्धा तो हमने कभी सुना ही नहीं होता है. नो डाउट इनमें लिमिटेड स्कोप है, बट मैंने कहा ना, अगर आप किसी, आपके फैमिली में आप इनको जानते हैं, आपके कोई फैमिली मेंबर्स हैं, तो आप उनसे अच्छे से कंसल्ट करके अगर इन फील्ड्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यू हैव टू विजिट दिस वेबसाइट. ये आप जैसे ही गूगल पे आयुष काउंसलिंग डालेंगे ना, तो यहाँ पर aacc.gov.in आ जाएगा. आप इसे ओपन करें, यहाँ पे सब कुछ इससे रिलेटेड अवेलेबल है. देखो 2023 में, मतलब जो आपका नीट का स्कोर होगा ना बच्चों,
उसमें जब एमसीसी की वेबसाइट या स्टेट की मेडिकल यूनिवर्सिटी देखोगे तो वहाँ तो एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन मिलेगा। अब उसके पीछे जो रैंक स्टूडेंट्स रह गए हैं उनको आयुष के थ्रू एडमिशन मिलेगा, इस वाली वेबसाइट के थ्रू। इसमें आप थोड़ी सी और आपको डिटेल चाहिए ना, तो यहाँ पर न्यूज़ एंड इवेंट्स में इनके अलग अलग नोटिस जो आए हैं 2023 के लिए आए हैं, अभी तो 2024 का तो रिजल्ट ही नहीं आया, तो उनके बारे में आप खोल खोल के देखेंगे कि अच्छा कब कौन सी डेट को रिलीज़ हुआ है, कब काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, कैसे अप्लाई करते हैं, तो थोड़ी बहुत नॉलेज आपको हो जाएगी। ठीक है, देखो आप आजकल के टाइम में ना इतना मुझे पता है ज़्यादातर टाइम अब आप एग्ज़ाम से फ्री हो चुके हैं, सोशल मीडिया पर ही बिताते हैं, तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। आप मोबाइल पर लैपटॉप पर जिस पर भी टाइम बिता रहे हैं बिल्कुल बिताओ, लेकिन वो जो टाइम आप लगा रहे हो ना उस टाइम में आप कुछ अच्छी चीज़ें सर्च करो ना, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उसके बारे में कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन गेन करो, तो आपका टाइम ज्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, तो ये आपका आयुष से रिलेटेड है जहां पर आप लोग अपना सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक, तो ये तो बात हुई बच्चों मेडिकल कोर्सेज की, है ना, कि मेडिकल में एमबीबीएस एक ऑप्शन है, एमबीबीएस नहीं मिल रहा तो बीडीएस दैट इज डेंटिस्ट्री भी एक अच्छा ऑप्शन है, अगेन अगर आपके पास आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है तो। क्योंकि बीडीएस में ऐसा होता है बच्चों की डेंटल में ना आप जब करके निकलते हैं तो गवर्नमेंट जॉब्स कम होती है इन कंपैरिजन टू एमबीबीएस, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कंपैरेटिवली कम होती है, बट यस आप अगर अपना प्राइवेट सेटअप खोलते हैं तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी लगता है ना, तो जो थोड़े से फाइनेंशियली वीक होते हैं वो इतना ईजिली इस फील्ड में बीडीएस करके थोड़ा सा सेफ फील नहीं करते। इसलिए आप लोग अगर किसी के घर में है ऑलरेडी डेंटिस्ट, ऑलरेडी अच्छा खासा डेंटल सेटअप है, तो गो फॉर दिस फील्ड। डेंटिस्ट्री अपने आप में एक बहुत ही इनोवेटिव फील्ड है, बहुत अच्छा फील्ड है, आप इसमें बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, ओके, एंड अगर आपका इनमें से किसी में इंटरेस्ट है तो सर्च फॉर आयुष काउंसलिंग। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। चलिए भाई अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम। ये तो हुई नीट की बात। अब नीट के एग्ज़ाम के अलावा आजकल बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारी तो दुनिया ही ख़त्म हो गई, अगर हमें नीट के थ्रू कुछ नहीं मिल रहा, एमबीबीएस नहीं मिल रहा, तो जैसे हमारी लाइफ ही ख़त्म हो गई, अब हमारे पास ऑप्शंस ही नहीं बचे। ऐसा नहीं सोचना है बच्चों आप लोगों को। मैं मेरे स्टूडेंट्स को जब कहती हूँ ना कि बच्चों नीट के साथ है ना आप CUET का भी फॉर्म भर देना, तो मतलब मतलब वो ऐसा देखते हैं कि मैम क्यों, आपको हम पे यकीन नहीं है क्या कि हम नीट कर पाएंगे? ऐसा नहीं है बच्चों, हम लोग तो आप पर यकीन करते ही, हम तो चाहते ही हैं कि आप लोग सेलेक्ट हों, बट मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली कि आज के इतने कॉम्पिटिटिव टाइम में ना, जब सब कुछ हमें इतना फास्ट हो गया है, सब कुछ हमें चाहिए, तो एक प्लान भी ना ज़रूर होना चाहिए बच्चों हमारे पास। ठीक है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सक्सेसफुल वही होते हैं जो प्लान बी की तरफ नहीं देखते, बट आज का जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जिस तरह से आप लोगों का पेशेंस लेवल कम हो गया है, बहुत जल्दी डीमोटिवेटेड हो जाते हो, तो प्लान बी हमेशा हाथ में रखो। तो प्लान बी के तौर पे CUET ना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मतलब जब से NTA सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स के लिए CUET एग्ज़ाम कराने लगा है, आई एम तो वेरी हैप्पी कि चलो बच्चों को किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू BSc करने का मौका मिल रहा है, और बिना किसी भी पार्शियलिटी के। कि पहले तो क्या होता था, हमें पता ही नहीं होता था हम कहाँ अप्लाई करें, अगर किसी को दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, कोई UP का राजस्थान का स्टूडेंट है, कैसे जाएं वहाँ पर, तो NTA ने आपके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवा रहा है, दैट इज़ CUET, जिसके थ्रू आपको ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं सब में इस एग्ज़ाम के थ्रू BSc में एडमिशन मिलेगा बच्चों। तो क्यों नहीं इसके बारे में भरना है, इस फॉर्म को भरना है। मैंने देखा है कि ना बच्चे BSc को एकदम ऐसे लो ग्रेड डिग्री समझने लगे हैं। जैसे मैं अगर कई बार कहती हूँ कि ठीक है बेटा BSc कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, मैम BSc करेंगे, BSc का तो मैम हमने सपने में भी नहीं सोचा। भाई आप इतना लो ग्रेड डिग्री नहीं है बच्चों, दिस इज़ बैचलर ऑफ साइंस, आप साइंस में ग्रेजुएशन कर रहे हैं। आप कोई भी रिसर्चर देख लो, कोई भी बहुत अच्छे अवार्ड जिनको मिले हैं, आपके पुराने टाइम के साइंटिस्ट देख लो, वो सब BSc MSc उसके बाद PhD करते थे बच्चों, तभी तो इस फील्ड की नॉलेज गेन कर पाए ना। BSc को आप बिल्कुल लो ग्रेड डिग्री ना समझें। जब आप BSc करेंगे, बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, इन सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, जनरली बायो के स्टूडेंट्स को फिजिक्स नहीं पढ़नी होती है, 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री। ठीक है, तो आप उस सब्जेक्ट को जानेंगे, जिस सब्जेक्ट में आपको मज़ा आया आप उसमें MSc कर लेना। ठीक है, और भी ज़रूरी नहीं है बॉटनी जोलॉजी में ही करें, ये तो ट्रेडिशनल BSc है, इसके अलावा भी इतने सारे अच्छे अच्छे आजकल BSc के कोर्सेज हैं बच्चों। आप BSc, ये तो मैंने आपको जनरल BSc बताई, इसके अलावा BSc इन बायोटेक, ये देखो ना कितना इमर्जिंग फील्ड है। बट अगेन मैं कहूँगी, जैसे बेंगलोर हो गया, बॉम्बे हो गया, है ना, महाराष्ट्र हो गया, जो अच्छे मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर तो बायोटेक्नोलॉजी के अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, पर जो थोड़ी छोटे शहर हैं, छोटी सिटीज़ हैं ना, वहाँ पर ये कोर्सेज नाम के हैं बच्चों। तो जो भी बच्चा बायोटेक से BSc करने के बारे में सोच रहा है, या तो वो पहले इन अच्छे
इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करे, देखे कि मैं वहाँ एडमिशन ले भी सकता हूँ या नहीं। CUET के थ्रू तो मिलेगा ही, कुछ यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्ट एडमिशन भी देती हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ यार मैं वहाँ पर जा सकता हूँ, वहाँ रह सकता हूँ, आगे का करियर वहाँ उन्हीं बड़ी सिटीज़ में बना सकता हूँ, तो फिर दिस ऑप्शन इज़ वेरी गुड फॉर यू। बट अगर आपको अपने ही शहर में रहना है, अपने पेरेंट्स की देखभाल करनी है, तो फिर मैं कहूँगी ट्रेडिशनल BSc इज़ मच बेटर देन बायोटेक्नोलॉजी, देन एनी अदर BSc, क्योंकि ट्रेडिशनल BSc की ज़रूरत हर जगह है बच्चों। ट्रेडिशनल BSc करके ना आप BSc के बाद MSc परस्यू करो, उसके बाद टीचिंग फील्ड इज़ वेरी गुड ऑप्शन, है ना। ये तो अब ऐसा हो गया कि मेडिकल प्रोफेशनल्स हो गए, या ये BTech इंजीनियर्स IITs जो भी हैं, अलग अलग ये जो प्रोफेशनल फील्ड्स हैं, वो लोग टीचिंग लाइन में आ गए हैं। बट अदरवाइज आप देखो बहुत सारे, ज़्यादातर जो टीचर्स हैं वो BSc MSc ही हैं, और दे आर वेरी हैप्पी इन देयर लाइफ कि भाई हाँ हम बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं, उनको आगे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चीज़ें बतानी है वो बताते हैं, है ना। तो BSc ऐसी डिग्री ना लें आप बिल्कुल भी कि कोई बहुत लो ग्रेड डिग्री है बच्चों। BSc अपने आप में एक अच्छी डिग्री है, बस आप एक अच्छे कॉलेज से करेंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा आपके लिए। और अच्छे कॉलेज तक आप कैसे पहुँचेंगे बच्चों? अच्छे कॉलेज तक पहुंचने के लिए यू हैव टू फिल द फॉर्म ऑफ CUET। अब इस साल वाला CUET तो निकल चुका है, अब तो एग्जाम ही आ गया है ना। बट हाँ, अगर आप नेक्स्ट ईयर नीट के ड्रॉप लेने का मन बना रहे हैं, तो जो आपका नीट का कोर्स है वही तो CUET का कोर्स है। इनफैक्ट CUET में तो सिर्फ 12th का सिलेबस पूछा जाता है, तो 12th का सिलेबस इवन मैं कहूँगी, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट होंगे अभी जिन्होंने CUET का फॉर्म भर रखा है, वो मन से एग्जाम दे बच्चों, है ना। ऐसा ना सोचे कि मेरा नीट बिगड़ गया, आप कुछ नहीं बचा लाइफ में, अच्छे से अपना 12th का सिलेबस रिवाइज करके जाएं, अच्छे से CUET का एग्ज़ाम देकर आएँ। बहुत ही ईजी लेवल एग्ज़ाम होता है, और अगर आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल रही है तो आप एडमिशन भी ले सकते हैं, या फिर आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार अगर इस साल मुझे CUET में ये मिल गया तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेने से मुझे नीट में बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाए, ठीक है ना। तो आपको ये एग्ज़ाम मेरे अकॉर्डिंग तो ज़रूर से देना चाहिए, एंड इसके थ्रू आप जो भी माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट्स, कितनी सारी वेब सीरीज बनती हैं आजकल, उनमें देखकर आपको नहीं लगता वाह यार ऐसी फॉरेंसिक लैबोरेटरी में हम भी होते, बढ़िया से रिसर्च करते, बढ़िया से जो भी अलग अलग टेस्ट होते हैं, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, उनमें हमारा रोल होता, वो भी तो हम में से ही एक है ना बच्चों। तो आप फॉरेंसिक साइंस में भी जा सकते हैं, वेरी गुड ऑप्शन। अच्छा, ज़रूरी नहीं है CUET के थ्रू ही करेंगे आप ये डिग्रीज, इनमें बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो बिना CUET के भी एडमिशन देते हैं। हालांकि अगेन जो स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो CUET में आ चुकी हैं, इसलिए मैं आपको कहूँगी कि जल्दीबाजी में डिसीजन ना लें। अभी आप ऐसे ही जस्ट आपने कहा मुझे फॉरेंसिक में जाना है, अपने एरिया की किसी भी लोकल यूनिवर्सिटी में, लोकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अब वहाँ वो उस तरह का लेवल की पढ़ाई नहीं होती जो फॉरेंसिक में चाहिए बच्चों, तो फिर आगे आपका करियर कॉम्प्रोमाइज़ होगा ना। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर एक साल ड्रॉप लेने का मन बना रहे हो, तो सिर्फ ये सोच के मत ड्रॉप लेना कि मैं नीट्स की तैयारी कर रहा हूँ। आप ये सोचना कि ये ड्रॉप जो मैं लूँगा वो एक बेटर करियर ऑप्शन के लिए लूँगा, कि मैं इतने सारे अभी जो मैं आगे आपको एग्जाम्स बता रही हूँ सबका कोर्स सेम है, सब में 11th-12th की NCERT पूछी जाती है अलग अलग तरह से, किसी में थोड़ा हाई लेवल है, किसी में मीडियम है, किसी में लो है। तो आप उन सब एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप खुद को एक चांस दे रहे हैं एक बेटर फ्यूचर के लिए, इंस्टेड ऑफ टेकिंग एडमिशन इन एनी यूनिवर्सिटी। और फिर भी अगर कुछ नहीं मिले बाई चांस, ऐसा तो हो नहीं सकता इतने सारे ऑप्शंस में भी कुछ ना मिले, फिर भी ना मिले तो जिस भी यूनिवर्सिटी में आज एडमिशन लेने के बारे में सोचा अगले साल ले लेना, वो तो कहीं नहीं जा रही, वहीं है, है ना। खुद को एक चांस तो दे सकते हो आप बेटर फ्यूचर के लिए, तो बस वही वाली चीज़ है बच्चों। आजकल हर हॉस्पिटल में डाइटिशियंस होते हैं, तो आप न्यूट्रिशन एंड डाइट में BSc कर सकते हैं, ओके, डॉक्टर्स के बीच में रहेंगे आप। फॉरेस्ट्री, मेरे को याद है मेरा एक स्टूडेंट है, उसने फॉरेस्ट्री में अपना BSc किया, और नाउ ही इज़ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, अलग अलग जगह जाता है, बहुत मतलब जो वाइल्ड लाइफ है उनके प्रोटेक्शन से रिलेटेड उनकी फोटोग्राफी, बहुत सारी चीज़ें करता है, ठीक है। तो आप इसमें भी जा सकते हैं, बट अगेन यहाँ पर थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो ही इस तरह के फील्ड्स में जाएं बच्चों, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशरीज हो गया, है ना, क्योंकि इनमें आगे जाकर जॉब स्कोप जो है वो बहुत ही लिमिटेड है, ओके, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आप लोग CUET के थ्रू भी जा सकते हैं, या फिर CUET के अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्ट भी एडमिशंस देती हैं। यू जस्ट हैव टू स्क्रॉल, यू जस्ट हैव टू रिसर्च अबाउट देम, गूगल है, आप आराम से उस पर रिसर्च कर सकते हैं, अपना समय निकाल के उस पर दें, ठीक है, ओके। अब बात करती हूँ मैं एक और ऑप्शन के बारे में बच्चों, ये भी आने वाले टाइम में ना बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है, दैट इज़ एग्रीकल्चर।
आजकल एग्रीकल्चर की ज़रूरत तो हमेशा से ही रही है ना। हमारा इंडिया तो वैसे ही कृषि प्रधान देश है, हालांकि हमको ऐसा लगता है कि मैम एग्रीकल्चर में क्या ही स्कोप है, लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर भी अगेन अच्छे यूनिवर्सिटी से करेंगे, उन लोगों के बीच में रहकर करेंगे जहाँ रिसर्च लेबोरेटरीज़ हैं, जहाँ पर अच्छे प्रोफेसर्स हैं, तो आप समझ पाएंगे कि इस एग्रीकल्चर फील्ड में आगे कितने सारे ऑप्शंस हैं। और ये कौन सी यूनिवर्सिटी है बच्चों? ये है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसकी वेबसाइट आप ज़रूर से एक बार विजिट करना। देखो, आप जब गूगल पे लिखोगे ICAR है ना, तो ये ICAR.org.in, मैं आपको पूरा पूरा एड्रेस भी बता रही हूँ, सिर्फ गूगल पे लिखोगे तो भी पहुँच जाओगे, ठीक है। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो ये देखो कितने इनके पूरे जो भी इनके अचीवमेंट्स हैं, इनके एडवांसमेंट्स हैं, सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया है। इसी फर्स्ट पेज पर ये वाले टैब पर आप क्लिक करना, एडमिशन टू UG एंड PG। तो ये देखो, पहले ICAR अपना अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता था बच्चों, बट नाउ इट इज़ ऑल्सो मर्ज्ड इन CUET। तो देखो CUET का एग्ज़ाम कितना इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बच्चों को अफसोस हो रहा होगा कि काश ये सब हमें पहले पता होता और हम नीट के साथ साथ इसका भी फॉर्म भर देते। हम तो सोच रहे थे यार, ये तो छोटा मोटा एग्ज़ाम है, इतने बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट्स में पहुँचा सकता है, अब तुम एक छोटे से कॉलेज में एडमिशन लोगे, उससे तो बेटर जगह ही पहुँचते, है ना। तो इसमें अब वही सेम CUET का एग्ज़ाम है, इसमें पूरा ब्रॉशर दिया हुआ है, दो हैं, किसी पर भी आप ये सेकेंड वाले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरा इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है कि क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वही सेम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, कुछ नया नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी। वैसे अगर इन शॉर्ट में आपको बताऊँ तो ये जो ICAR सिस्टम है, इसमें 74 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ आती हैं बच्चों, है ना, जिसमें से 63 तो लगभग स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें वेटरनरी फिशरीज़ की भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और एक चीज़ और अच्छी इसमें देखी थी मैंने, हाँ, कि इसमें 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं बच्चों, जैसे CAU, इम्फाल, और ये देखो BHU, AMU, है ना, इन सब जगह ही तो पहुँचना सपना है हमारा। तो ठीक है, हम मेडिकल के थ्रू पहुँचना चाहते थे, नहीं पहुँच पाए, तो दूसरे ऑप्शन भी हैं जिनसे आप एक अच्छे करियर की तरफ परस्यू कर सकते हैं, ओके। तो इन में से कोई भी आप जगह एडमिशन ले सकते हैं इस एग्जाम के थ्रू, ICAR के थ्रू। ये 12 कोर्सेज में एडमिशन्स मिलता है, इसकी भी प्रॉपर काउंसलिंग होती है, CUET एग्जाम कराता है, फिर काउंसलिंग ICAR कराता है ना। BSc इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन इसमें भी है, सेरिकल्चर। अच्छा, इसमें कुछ BTech कोर्सेज भी हैं बच्चों, है ना, एक बार आप इनके बारे में थोड़ा सा सर्च कर लेना कि इनके लिए कोई स्पेशल सब्जेक्ट लिमिट या कुछ तो नहीं है, ठीक है। बाकी इन सब के लिए तो नहीं है। BSc नेचुरल फार्मिंग, मतलब जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, पहले प्रॉपर उस फील्ड के बारे में रिसर्च करें और फिर डिसीजन लें, ठीक है। मैं आपको हर फील्ड का ब्रीफ बता रही हूँ ना, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है मैं एक ही वीडियो में हर चीज़ की डिटेल ले लूँ। हाँ, किसी भी ऑप्शन के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं हम। यस, IAT है ना, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ये आइजर क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं है आइजर के बारे में। तो बच्चों, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च है, 7 अलग अलग जगह इसके इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें से आइजर भोपाल का नाम तो आप लोगों ने सुन रखा होगा, उसके अलावा बहरामपुर, कोलकाता, मोहाली, पुणे, तिरुवनंतपुरम एंड तिरुपति, ये 7 अलग अलग जगह आइजर के ब्रांचेस हैं जिनमें आपको एडमिशन मिलता है इस IAT के थ्रू। इस बार तो इसके एनरोलमेंट्स आई थिंक कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इस बार ये एग्ज़ाम 9 जून को होने जा रहा है, बट अगेन यू हैव अ चांस इन नेक्स्ट ड्रॉप, ओके। तो ये जो एग्ज़ाम है बच्चों, ये भी 60 क्वेश्चंस इसमें आते हैं आपके, देखो बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, बट येस यहाँ पर ना मैथ्स का भी पेपर आता है, तो इसलिए कुछ ज़्यादातर बच्चे घबरा जाते हैं और ये वाला एग्ज़ाम नहीं देते, क्योंकि बट ऑब्वियस हमने तो बायो पढ़ी है तो हमें मैथ्स इतनी नहीं आती। बट येस, जिन बच्चों के पास PCM भी रहा है, या मान लो PCB भी रहा है तुम्हारे पास, पर तुम थोड़ा बहुत बेसिक मैथ्स पढ़ सकते हो, तो वो तुम पढ़ के एक बार एग्ज़ाम ट्राई तो कर ही सकते हो, भर तो सकते ही हो फॉर्म, ठीक है। इसमें जैसे तुम इसकी भी मैं तुम्हें ना वेबसाइट बता देती हूँ, जिस बच्चे को आइजर के बारे में डिटेल में जानना है, गूगल पे लिखना आइजर, ठीक है, IAT आएगा, IAT, यहाँ पे IZERadmission.in, इस पर आप क्लिक करना, ठीक है। बहुत बहुत अच्छी वेबसाइट है, देखो बच्चों कितना ईजीली इन्होंने सबको समझाया है। इन ये करवाते हैं 5-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम BSc + MSc का, ठीक है। अब उसमें ये इनका पहले इनके बारे में इन्होंने बता रखा है, ये देखो जैसे इन्होंने लिखा है कि अब एप्लीकेशन पोर्टल तो हाँ क्लोज हो गया है ना, अभी करेक्शन वगैरह आप कर सकते हैं इसमें।
फिर आप यहाँ जाएंगे तो आइजर क्या है, कहाँ कहाँ है, बिल्कुल अच्छे से बता रखा है। एडमिशन वाले पोर्टल में आप जाएंगे, एलिजिबिलिटी पे जाएंगे, आपको पता चल जाएगा आप एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है। सीट मैट्रिक्स पर जाएंगे तो ये देखो जो हर कॉलेज में कितनी कितनी सीट्स है इसकी, कहीं पर 180 है, 250 है, 320 है, ओके, मतलब एवरीथिंग बहुत ही क्लियर तरीके से बता रखा है। ये इसका एप्टीट्यूड टेस्ट है, ओके। सिलेबस में आप देखो कितना एकदम क्लियरली लिखा है, रैशनलाइज एनसीईआरटी सिलेबस, जो भी एनसीईआरटी में चेंजेस हुए उसके बेस पर ही ये अपना टेस्ट सेट करते हैं। यस आई एग्री, थोड़ा सा जो लेवल है इनका वो नीट से थोड़ा सा बेटर होता है बच्चों यहाँ पर, बट क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही बनते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर की चीज़ें पूछी जाती हैं जो जनरली अपन लोग नीट पढ़ते वक्त पढ़ते हैं, ठीक है। इवन आप यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे ना, इसके सारे देखो 2017 से लेकर अब तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स भी हैं। तो अगर किसी को ऐसा लगता है यार पता नहीं ये एग्ज़ाम कैसा है, टफ है, मैं क्रैक कर भी पाऊँगा या नहीं, तो क्यों ना क्वेश्चन पेपर्स ही देख लें एक बार, इनके नॉलेज भी बढ़ेगी, आइडिया भी लगेगा, है ना। तो अच्छी चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट करो, यू हैव अ वेरी इनफ टाइम आफ्टर ट्वेल्थ, कंप्लीशन ऑफ ट्वेल्थ, आपके पास बहुत सारा टाइम है जिसमें आप थोड़ा सा अपना स्टडीज़ करें इन चीज़ों की एंड देन डिसाइड कि आगे क्या करना है, ठीक है। क्लियर हो गया क्या बच्चों आइजर के बारे में आप लोगों को? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट टेस्ट पर, नेक्स्ट ऑप्शन पर, दैट इज नेस्ट, ओके, NEST, नेस्ट, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। इसके बारे में बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स को पता होता है, नो डाउट इसका लेवल अच्छा है नेस्ट का, मैंने इसके क्वेश्चन पेपर्स देखे, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं बच्चों, बट वो इसलिए पूछे हुए हैं क्योंकि ध्यान से सुनना, ये जो एग्ज़ाम है ना नेस्ट बच्चों, ये थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड है। रिसर्च ओरिएंटेड मतलब ये उन बच्चों को एडमिशन देना चाहता है, नाइजर, इसमें दो कॉलेजेस इसको कंडक्ट करवाते हैं, दो बॉडीज़, एक तो नाइजर भुवनेश्वर और एक है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेंटर। वो आपने एटॉमिक भाभा इंस्टीट्यूट का नाम सुना है, यहाँ पर लिख भी रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये रहा होमी भाभा, होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी विद इन द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, उनके थ्रू ये सब अफिलिएटेड है। तो अब यहाँ पर बट ऑब्वियस वो बच्चा पहुँचना चाहिए जो थोड़ा सा इंटेलैक्ट माइंड रखता है, जिसको चीज़ों की डिटेल में जाने की आदत है, रिसर्च करने की आदत है, तो उनके लिए ये एग्ज़ाम होता है। सीट्स बहुत ही लिमिटेड हैं, इसमें 200 सीट्स ही हैं ओनली, जितने भी बच्चे एडमिशन देते हैं उनमें से 200 बच्चों को एडमिशन मिलता है, ठीक है। एंड एग्ज़ाम जो है वो 120 सिटीज़ में होता है। सबसे अच्छी बात क्यों इसका लेवल थोड़ा टफ है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में जो भी बच्चे क्लियर करते हैं ना, द कैंडिडेट्स एडमिटेड टू द प्रोग्राम इन नाइजर और CEBS, उनको एक एनुअल स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों 60,000 rupees पर NM की, ठीक है। इसलिए ये कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उन्हीं बच्चों को यहाँ तक पहुँचाया जाता है जो रियली में डिजर्व करते हैं, ठीक है। बट येस, इट इज़ अ गुड ऑप्शन। इसके बाद बच्चे आगे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम करते हैं, और इनके इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज से PhD भी करते हैं, देखो लिखा है इन इंडिया एंड अब्रॉड, ओके। ये जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है ना, सब लिखा हुआ है, देखो यहाँ से तुम कोई जल्दी नहीं कि तुम यहाँ से पढ़ो, तुम गूगल पर डालना नेस्ट, नेस्ट एग्ज़ाम आ जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट, हर चीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट से पढ़ने की आदत डालो, क्योंकि वहाँ पर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें चाहिए। यहाँ पर देखो कितना अच्छे से इन्होंने डिज़ाइन किया है, पूरा अबाउट नेस्ट के बारे में एक एक चीज़ बता रखी है जो मैं तुम्हें अभी पॉइंट्स बता रही थी। फिर इनका जो नाइजर इंस्टीट्यूट है, नाइजर भुवनेश्वर जो बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी, उसके बारे में दे रखा है। इसमें देखो ये 5 ईयर का इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम कराते हैं, BSc+MSc, जिसमें बायो केमिकल मैथमेटिकल फिजिकल साइंसेज सब इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अगेन इन सब में मैथ्स इसलिए ली जा रही है बच्चों आइजर में नेस्ट में, क्योंकि रिसर्च ओरिएंटेड ब्रेन के लिए थोड़ा सा मैथमेटिकल ब्रेन होना ज़रूरी है, कैलकुलेटिव ब्रेन होना ज़रूरी है। ये कहीं नहीं लिखा इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि आपके पास 12th में मैथ्स होना चाहिए था, बट यस, ये अपने एग्जाम में मैथ्स सेक्शन पूछते हैं तो आपको मैथ्स की नॉलेज ज़रूरी है, इसीलिए बहुत बच्चा इससे थोड़ा सा बाहर हो जाता है, क्योंकि मैथ्स की नॉलेज नहीं होती है तो उन्हें लगता है एग्जाम देने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो बट यस, क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ऐसा नहीं है। और इस चीज़ के लिए तो एक और चीज़ है बच्चों, इसके तो अभी एप्लीकेशन पोर्टल भी ओपन है, 31 मई तक फॉर्म भरा जाएगा, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो भी 30 जून को होना है। तो अगर तुम्हें लगता है कि यार स्कोप है, मैं कुछ कर सकता हूँ 1.5 महीने में, तो आप अभी भी इसका फॉर्म जाकर भर सकते हैं, ठीक है। इसका एक बार क्वेश्चन पेपर ज़रूर देख लेना, देखो एलिजिबिलिटी में कहीं नहीं लिखा कि मैथ्स होना चाहिए, बस ये लिखा है आपने 12th अगर क्लियर कर रखा है तो येस यू आर एलिजिबल विथ 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, ठीक है। बाकी कैटेगरीज के लिए 55% है, और इसके जो क्वेश्चन पेपर्स है ना वो भी यहीं पर मैंने देखे थे अवेलेबल है, ये रहे, ये जो हाउ टू अप्लाई वाला ऑप्शन है इसी में नीचे आप देखो, ये रहा
ठीक है, 2007 से लेकर अब तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं, एक बार आप उनको खोलकर ज़रूर से देख लें, पहले देख लें कि हाँ यार लेवल है कि नहीं, पता लगा हमने सपने देख लिए और अगेन वही हमें लग रहा है यार ये तो बहुत टफ था, है ना। तो हर चीज़ को पूरा देखकर जांच पड़ताल करके डिसाइड करेंगे हम, ओके। तो यस, नेस्ट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स, बट येस जहाँ पर मैथ्स की नॉलेज भी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं हम। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों IISc बेंगलुरु, इसकी तो तुम वेबसाइट पे जाके देखना, ये तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का, साइंस के स्टूडेंट्स का ड्रीम कॉलेज होता है। अगेन IISc बेंगलुरु एडमिशंस लिखना, ठीक है, जिससे तुम्हें एडमिशन वाली वेबसाइट पर लेके जाएगा। जब तुम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो, ये इनका पूरा इन्होंने बता रखा है, इनमें है ना आप कहाँ पर जाओगे, जो आपके काम की चीज़ है वो बता रही हूँ मैं। डिग्री प्रोग्राम में जाओगे, फिर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में जाओगे, उसमें ये तुम्हारे लिए, बीटेक तो है नहीं, बायो के स्टूडेंट हैं तो आप, तो बैचलर ऑफ साइंस में आप जाएंगे तो इसका पूरा इन्होंने दे रखा है। यहाँ पे आप क्लिक करके इसके सारे अपडेट्स देख सकते हैं जो जो हैं, ठीक है। तो ये जो एग्ज़ाम है, बट यस इसमें एक लिमिटेशन है बच्चों, इस एग्ज़ाम के लिए वही बच्चा अप्लाई करेगा जिसके पास 11th, 12th में मैथ्स भी रहा हो। द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स एज मेन सब्जेक्ट इन देयर क्वालिफाइंग एग्जाम अलॉन्ग विद एनी अदर सब्जेक्ट। तो ये वाला एग्जाम बहुत ही लिमिटेड बच्चों के लिए हो जाएगा, क्योंकि पहले दोनों एग्जाम में मैथ्स का फाउंडेशन नहीं था, पूछी जाती है, पर यहाँ पर पूछी भी जाती है और आपके पास 12th में होनी भी चाहिए, ठीक है। अगेन यहाँ पर भी एग्रीगेट जो है वो 60% है, ओके। तो इसलिए ये वाले जो बच्चे क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं वही इसके बारे में सर्च करें, अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट ना करें। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। चलिए, ये तो मैंने आपको कुछ स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज़ बताई बच्चों, जिनमें से कुछ में मैथ्स रिक्वायर्ड थी, CUET में तो कहीं से भी नहीं है ना। और अच्छा, CUET वाले बच्चे एक बात और ध्यान रखें, जब भी आप नेक्स्ट ईयर कभी भी CUET का फॉर्म भरें ना, तो प्लीज़ जनरल टेस्ट भी उसमें ऑप्ट करना। जनरली आप लोग GK से घबराते हैं कि यार नहीं, तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और वहाँ पे जनरल टेस्ट देना ज़रूरी था। तो CUET में ऑप्शंस मिलेंगे फॉर्म भरते वक्त कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, उसमें जनरल टेस्ट ज़रूर से ऑप्ट करना, इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट, क्योंकि ये ज़्यादातर स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज़ में ये दो क्राइटेरिया हैं, ठीक है। उससे आपका CUET का स्कोर कोई मैटर नहीं करेगा, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी ना जो सब्जेक्ट उसे चाहिए होती है उसी सब्जेक्ट में CUET का स्कोर देखती है। तो ऐसा नहीं है कि GK में मार्क्स कम आ गए तो आप सोचें मैम हम CUET में पीछे हो जाएंगे। CUET की ऐसे कोई कॉमन काउंसलिंग नहीं होती, अलग 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 यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग होती है। तो इसलिए आपको वहाँ पर ऑप्ट सारे सब्जेक्ट्स करने हैं जो रिक्वायर्ड है, फिर वो अपने आप जहाँ पर भी एडमिशन होगा वो आपका स्कोर देख लेंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये तो मैंने आपको कुछ बहुत मतलब बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ बताई हमारे इंडिया की, जहाँ पर तक आप पहुँच सकते हैं नीट के अलावा भी। नीट हो गया, CUET हो गया, IISER हो गया एंड नेस्ट हो गया, एंड लास्ट में हमने IISC बेंगलुरु एग्ज़ाम देखा, ठीक है। अब आते हैं, अच्छा ये जो IISC बेंगलुरु के बारे में मैंने आपको बताया ना, इसका कोई एग्ज़ाम नहीं है बच्चों। इसमें एडमिशन के लिए या तो JEE के थ्रू एडमिशन मिलता है, JEE के स्कोर पे, या नीट के स्कोर पे एडमिशन मिलता है, और फिर IISER एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपका होता है, अभी हमने IAT के बारे में देखा था ना, IAT, उसके थ्रू मिलता है, है ना। बस ये वाली फाउंडेशन अटका देती है, वरना अगर किसी बच्चे का नीट में मान लो 600 जितना स्कोर है, 600 से ऊपर स्कोर है और मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा, तो उसको यहाँ पर एडमिशन शायद मिल सकता था, इनके काउंसलिंग पर डिपेंड करता है। बट ये वाली जो फाउंडेशन है ये शायद तुम्हें अटका सकती है, थोड़ा सा और इसके बारे में अच्छी तरह एक बार जाँच पड़ताल कर लेना, ठीक है। क्लियर है क्या, समझ में आ गया आप लोगों को ये ऑप्शन। चलिए भाई, अब आते हैं हम प्योर मेडिकल कोर्स पर, ठीक है। प्योर मेडिकल में हमने नीट तो देख ही लिया, अब क्या और ऐसे ऑप्शंस हैं जिनसे हम डॉक्टर्स के बीच रहकर अपना करियर परस्यू कर सकें, है ना। नहीं भाई, सपना तो देखते हैं कि डॉक्टर बनना है, पूरा भी हो जाए, हम तो यही हमेशा चाहते हैं कि आप इतनी मेहनत करें कि हर फैमिली में ना, मैं तो चाहती हूँ कि एक डॉक्टर तो हो या डॉक्टर से रिलेटेड कोई भी पर्सन हो, क्योंकि हर फील्ड में बच्चों मेडिकल इलनेस तो आजकल कितनी कॉमन है, और तुमने देखा है जिनकी जानकारी होती है हॉस्पिटल में कितना ईजी हो जाता है उनके लिए सब कुछ। तो इसलिए ना, अगर आप बाई चांस नहीं भी बन सके तो आप ऐसे फील्ड में भी जा सकते हो जिससे आप मेडिकल में ही रहोगे, आप सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होगी, आप डॉक्टर्स के साथ रहते हो तो यू नो कि किस तरह से चीज़ें की जाती हैं, टाइमली आप अपनी फैमिली की हेल्प कर सकते हो। तो इस तरह के कौन कौन से कोर्सेज हैं उनके बारे में समझो। उसमें आता है एक तो फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल नर्सिंग एंड फार्मेसी कोर्सेज, ठीक है। फिजियोथेरेपी हर बच्चे के लिए नहीं है बच्चों,
फिजियोथेरेपी में अगेन मैं कहूँगी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी ज़रूरी है, क्योंकि पहली बात तो फिजियोथेरेपी में बहुत ज़्यादा जॉब्स नहीं होती हैं कि आज गवर्नमेंट वैकेंसीज निकल रही हैं, एग्ज़ाम हुआ आपने दे दिया, या कि हर प्राइवेट हॉस्पिटल वाले रखते हों, ठीक है आप थोड़ा बहुत रखने लग गए हैं, बट इतना ज़्यादा हाई पेइंग जॉब नहीं है और जॉब्स भी बहुत लिमिटेड हैं। यहाँ पे मेनली वो लोग जाते हैं जिनको खुद का, मतलब ठीक है पैसा वगैरह तो है, ठीक ठाक है, तो हम खुद का एक फिजियोथेरेपी क्लिनिक खोल लेंगे, पहले किसी फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर में प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर थोड़े बहुत इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह आते हैं ना वो कॉस्टली आते हैं, तो वो थोड़ा सा लेकर एक हल्का फुल्का लोन लेकर या जैसे भी हमने अपना सेटअप डाल लिया, और अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी है तो फिर येस वी कैन अर्न वेरी गुड, ठीक है। तो बट येस फिजियोथेरेपी में थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ ही जाएं, क्योंकि यहाँ पर जॉब स्कोप कम है। अब क्या है फिजियोथेरेपी में, जिनका है भाई हाँ मैम हम तो कर सकते हैं, हमें इंटरेस्ट भी है इस तरह की चीज़ में, वो ध्यान से सुनो। फिजियोथेरेपी में डिप्लोमा कोर्स भी होता है, बैचलर कोर्स भी होता है, बीएससी भी होती है, और आगे जाके आप मास्टर्स इवन पीएचडी वगैरह के कोर्सेज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब फिजियोथेरेपी के लिए ना कोई अलग से एंट्रेंस एग्जाम नहीं है बच्चों, फिजियोथेरेपी में अगर आपको करियर परस्यू करना है तो जो भी अच्छी आपके स्टेट की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं प्राइवेट, गवर्नमेंट में तो बहुत, गवर्नमेंट में तो है ही नहीं, प्राइवेट में ही ज़्यादातर हैं इसके कोर्सेज, तो वहाँ पर आप जाएँ, विजिट करें अपने पेरेंट्स के साथ, उनका ब्रोशर लें, पूछें कि आपके यहाँ कौन कौन सा कोर्स है, कब से स्टार्ट हो रहा है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, तो जो भी आपके आसपास की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है ना, हर स्टेट की अलग अलग होती हैं, उनमें जाकर पता करें सारी चीज़ें और फिर डिसाइड करें कि यस आई कैन परस्यू दिस कोर्स और नॉट। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, अच्छा हाँ कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी देते हैं बच्चों इसमें एडमिशन, सॉरी टू मैंने आपको यहाँ पे बोला, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में नीट के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो ऐसी हैं जो नीट के स्कोर के बेस पर एडमिशन देंगी, कोई बहुत हाई स्कोर नहीं चाहिए, हर कॉलेज का अलग अलग एक सेट क्राइटेरिया कि इतने मार्क्स आपके होने चाहिए उसके थ्रू मिल जाएगा, या फिर कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ बिना नीट के डायरेक्ट आपका जो ट्वेल्थ का स्कोर है उसके बेसिस पे भी एडमिशन देती हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है देखो, बस ज़रूरी है कि आपने ट्वेल्थ अपना कंप्लीट कर लिया हो, ज़्यादातर जगह है कि 50% मार्क्स तो हों एटलीस्ट आपके ट्वेल्थ में, कुछ में 60% भी हो सकता है, ठीक है। एंड उसके अलावा नीट स्कोर इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट एडमिशन टू फिजियोथेरेपी कोर्सेज, हाउएवर सम कॉलेजेस कंसीडर दिस स्कोर फॉर बीपीटी एडमिशन। इसके डिग्री को बोलते हैं बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, दैट इज बीपीटी, ठीक है। कुछ लोग फिजियोथेरेपी करके अपने नाम के आगे डॉक्टर भी लगा लेते हैं, बट मतलब कुछ जगहों पर ये लीगल है कुछ पर नहीं है, वैसे इतना अलाउड नहीं है, है ना, ठीक है। आप वो एक डॉक्टर की तरह ही प्रैक्टिस करते हो तो फील तो डॉक्टर वाला आता है, बट गवर्नमेंट की तरफ से एग्जैक्टली अलाउड नहीं है कि आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाएं। हाँ पीटी ज़रूर लिखते हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो, ठीक है। तो फिजियोथेरेपी के बारे में बहुत डिटेल में नहीं गई हूँ मैं, इसका कोई अलग एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, या तो नीट के स्कोर पे एडमिशन मिलेगा या जो भी आपके आसपास अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी है वहाँ पर जाकर आप पता कर लें और इस कोर्स के फीस स्ट्रक्चर वगैरह जान के मन बनाएं कि एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, जल्दीबाजी में डिसीजन ना लें, ठीक है। देन आते हैं बच्चों पैरामेडिकल कोर्सेज पर। ये तीन फील्ड्स हमारे चारों तरफ बहुत कॉमन है, पैरामेडिक्स के बिना मेडिकल लाइन हो ही नहीं सकती, डॉक्टर्स अकेले सब कुछ हैंडल कर ही नहीं सकते, नर्सिंग भी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फार्मेसिस्ट तो आपके चारों तरफ हैं ही, किसी के बहुत अच्छा मेडिकल का बिजनेस है या मेडिकल फील्ड्स में आपको मन है कि यार मुझे है ना मेडिसिन में जाकर रिसर्च करनी है, थोड़ा सा करना है, तो फार्मेसी कोर्सेज भी हैं आपके लिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, अगर मैं पहले पैरामेडिकल कोर्सेज की बात करूँ ना, तो पैरामेडिकल कोर्सेज में एक तो बैचलर कोर्सेज होते हैं, बैचलर कोर्सेज कहूँगी मैं प्रिफर करना, क्योंकि उससे तुम्हें एटलीस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी, आगे जाकर तुम कोई भी कोई बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं ना। चलो एक चीज़ और क्लियर करती हूँ पहले कि ना, हमें लगता है हमने बायो लिया है तो जैसे आगे जाकर बहुत सारे अलग अलग फील्ड के एग्जाम्स नहीं होते बच्चों, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, एसएससी का एग्जाम होता है, कभी कभार बैंक्स की वैकेंसीज निकलती हैं, कुछ में तो लिमिटेशन होता है सब्जेक्ट का बट कुछ में नहीं होता। कुछ कहते हैं आपने ग्रेजुएशन किया है, चाहे बीएससी बीकॉम या बीए कुछ भी किया हो, यू आर एलिजिबल, बस आप फाइट कर लो, एग्ज़ाम दे दो, अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो आप हमारे यहाँ जॉब कर सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे बैंक की जॉब्स मिलती हैं, है ना, और भी बहुत सारे अलग अलग फील्ड हैं। तो अगर आप ग्रेजुएशन कर लोगे ना, आप सबके लिए, उन सबके लिए एलिजिबल हो जिसमें सब्जेक्ट लिमिट नहीं है। तो प्लीज़ ये ना सोचें कि ग्रेजुएशन करके हम क्या करेंगे, ग्रेजुएशन करके बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, बट ग्रेजुएशन करना ज़रूर से, आज के टाइम में डिप्लोमा से ज़्यादा अच्छा ग्रेजुएशन करना है, ठीक है। बट फिर भी अगर लगता है बिल्कुल मन बनाया हुआ नहीं, मुझे तो पैरामेडिकल फील्ड में रहना है, और कोई भी लैब टेक्नीशियन, लेबोरेटरी कार्डियक टेक्नीशियंस, बहुत सारे टेक्नीशियंस होते हैं बच्चों, उनमें उनके साथ काम करना है, तो आप डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, ठीक है।
और कुछ एक एक साल के सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं। डिग्री कोर्सेज जनरली 3 से 4 साल का होता है, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज 1 से 2 साल के होते हैं। डिप्लोमा 2 का, सर्टिफिकेट तो 1 साल में ही हो जाता है, ठीक है। ओके, अब पैरामेडिकल के लिए बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस भी हैं बच्चों। जैसे आपने सुना होगा एम्स से बीएससी नर्सिंग होती है, एम्स में पैरामेडिकल डिपार्टमेंट भी है, बीएचयू में भी है ना। और हर स्टेट का अलग अपना पैरामेडिकल डिपार्टमेंट चलता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक राजस्थान में है, जो राजस्थान का है, दैट इज़ राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल। आप जब गूगल पे डालेंगे पैरामेडिकल इन राजस्थान, है ना, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल, तो ये देखो इसकी पूरी वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। और इस पर थोड़ी बहुत चीज़ें गिवेन है आपको यहाँ पर कि क्या क्या है। जैसे मान लो आपने ये देखा तो इसमें है ना सारी चीज़ें गिवेन है। यहाँ पर कोर्सेज के बारे में आ जाएगा, स्टूडेंट जोन में जाकर ये कोर्सेज हैं तो ये कोर्सेज आ गए, कौन कौन से कोर्सेज हैं, है ना। तो ये जैसे राजस्थान का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ऐसे यूपी का भी एक अलग से एग्ज़ाम होता है बच्चों। जो उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी है वो इसके लिए एग्ज़ाम कराती है, CP NET, ठीक है। हालांकि ये जो स्टेट वाइज एग्जाम्स है ना, इनमें ऐसा होता है कि कुछ एग्जाम्स में सिर्फ उसी स्टेट के बच्चे एलिजिबल होते हैं और कुछ एग्जाम में सारे बच्चे आ सकते हैं। तो जिस भी फील्ड में जाना है पहले हम उसका ऑथेंटिक वेबसाइट से ब्रोशर पढ़ेंगे, फिर उस फील्ड के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो ये CP NET पे आप जाएंगे, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर नहीं, यहाँ से नहीं देखना हमको, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ है, ये रही UPUMS, ठीक है। इस पर आप जब जाएंगे बच्चों तो ये देखो, ये इन्होंने अपनी पूरी इससे रिलेटेड एक अलग से, ये तो पूरी इनकी मेडिकल साइंस की वो है, ये वेबसाइट है, इसमें पैरामेडिकल डिपार्टमेंट भी अलग से दे रखा है ना। यहाँ पर कहीं एग्जामिनेशन में मैंने देखा था अकेडमिक्स, वेयर इट इज, पैरामेडिकल काउंसिल भी आपको इसमें मिल जाएगा, आप देखना, ठीक है, यू विल गेट इट। तो ये आपका अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग पैरामेडिकल के लिए चीज़ें बनी हुई है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैम हम इसमें जाएं कैसे, ठीक है। तो जाने के लिए बच्चों अगेन, जैसे पहले राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में पहले पैरामेडिकल का अलग से एग्ज़ाम होता था, अब नहीं होता, अब नीट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन मिल जाता है। यू जस्ट हैव टू विजिट दिस, आप इस पे जाएंगे तो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। ये अपनी वो निकालते हैं, काउंसलिंग खुद करवाते हैं, ठीक है, डेट निकालते हैं कि अप्लाई करो, इवन 12th के स्कोर के बेसिस पे भी दे देते हैं। उनमें जो जो बच्चे अप्लाई करते हैं उनकी मेरिट लिस्ट बनती है और उस अकॉर्डिंग उन्हें सीट्स अलॉट हो जाती हैं। तो कुछ जगह तो नीट भी नहीं चाहिए, डायरेक्ट एडमिशन है, कुछ जगह नीट का स्कोर रिक्वायर्ड है, सिर्फ क्वालिफाइंग स्कोर चाहिए होता है, कोई बड़ा स्कोर नहीं चाहिए होता है। यूपी में जैसे एक अलग से एग्जाम होता है, दैट इज CP NET, ओके, कंबाइंड पैरामेडिकल नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, ऐसा कुछ इसका फुल फॉर्म है। एंड ये रहा, एक और टेस्ट होता है, दैट इज़ MH नर्सिंग CET, ठीक है। महाराष्ट्र में एडमिशन के लिए नर्सिंग का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अलग से होता है। ऐसे करके कुछ स्टेट हैं जो एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द स्टेट में डायरेक्ट एडमिशन है या नीट के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन है, ठीक है। तो अगर आप पैरामेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं ना, तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं बच्चों, ये देखो, ये कोर्सेज हैं पैरामेडिकल के। जैसे पैरामेडिकल में क्या होता है, आप लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्स कर सकते हैं, लैब टेक्नीशियंस की ज़रूरत तो हमेशा होती है ना हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अच्छी सैलरी भी मिलती है। रेडिएशन टेक्नोलॉजी हो गया, डेंटल से रिलेटेड कुछ छोटे मोटे कोर्सेज होते हैं, डायलिसिस, आजकल डायलिसिस जो हर हॉस्पिटल में डायलिसिस डिपार्टमेंट होता है, वहाँ डॉक्टर बैठ के थोड़ी ना डायलिसिस पेशेंट को संभालेंगे, वो तो एक बार देख जाएंगे, पूरा डायलिसिस टेक्नीशियन होता है जो ध्यान रखता है, उसको पूरी टेक्निकल नॉलेज होती है। नो डाउट इनमें थोड़ा सा कंपैरेटिवली सैलरी कम होती है, बट आप मतलब इधर उधर भटकने से अच्छा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, एक किसी एक ऐसे कोर्स में एडमिशन ले लेंगे जिससे कहीं पहुंच जाएं, तो फिर आगे का रास्ता आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। कई बार ऐसा भी करते हैं स्टूडेंट्स कि चलो हमें खाली ड्रॉप नहीं लेना, तो हमने किसी कोर्स में एडमिशन ले लिया और साथ में हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी एक ऑप्शन आपके पास है। ऑर्थोपेडिक हो गया, ECG टेक्नोलॉजी हो गया, कार्डियक टेक्नीशियंस होते हैं, ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी, एंडोस्कोपी, EEG, कैथ लैब, है ना, इसमें अच्छी सैलरी होती है कैथ लैब में, इमरजेंसी, ऑप्थैलेमिक, परफ्यूजन, मेडिकल लेबोरेटरी, इनमें डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं और इनमें बैचलर कोर्सेज भी हैं। बैचलर में आपको ग्रेजुएट होने का एडिशनल बेनिफिट मिलेगा जिससे आप आगे जाकर दूसरे एग्जाम्स भी दे सकते हैं, डिप्लोमा में ग्रेजुएट नहीं कहलाते, ये बात सोचकर एडमिशन लेना। चाहे डिप्लोमा 2 साल का है, बैचलर 3 या 4 साल का होता है, बट इससे आपको ग्रेजुएट की डिग्री मिल जाती है, ठीक है, ओके। इन सभी फील्ड्स में, रेडिएशन टेक्नोलॉजी में, मेडिकल लेबोरेटरी में, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, इन सब में बैचलर कोर्सेज होते हैं, ठीक है।
क्लियर। बाकी इतनी लंबी लिस्ट है ना बच्चों पैरामेडिकल कोर्सेज की कि मैं यहाँ पर आपको सारे नहीं बता सकती हूँ। आप जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट की जस्ट गूगल पे लिखना अपने स्टेट का नाम पैरामेडिकल, उससे रिलेटेड ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ जाकर आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है। देन नर्सिंग कोर्सेज की अगर बात करें, जो बच्चे नर्सिंग फील्ड में जाना चाहते हैं ना उनको मैं बता दूं आपके पास यूजुअली दो ऑप्शंस है ना। मैं मेडिकल फील्ड में मैंने देखा है हमारे यहाँ पे जो भी नर्सिंग वाले होते हैं नर्सिंग स्टाफ होता है उसमें क्या होता है, एक तो GNM नर्सिंग करा होता है तो बच्चों ने, या फिर BSc नर्सिंग करा होता है। बट ऑब्वियस BSc से आप ग्रेजुएट हो गए, यहाँ पे सैलरी भी थोड़ी कंपैरेटिवली बेटर होगी, बट GNM नर्सिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है। किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल चीज़ें हैं कि नहीं फटाफट से हमें करना है, तो ये 3 years + 6 months इंटर्नशिप का होता है, जबकि BSc 4 years का होता है। कुछ जगह तो GNM 2 years में भी करवा देते हैं, तो अलग अलग जगह है बच्चों। ठीक है, तो आप जो भी नर्सिंग फील्ड में अगर जाना चाहते हैं तो आपके पास नर्सिंग के लिए ANM तो कम करते हैं, ये दो ऑप्शंस पे ध्यान देना, GNM एंड BSc इन नर्सिंग। ठीक है, और BSc के बाद MSc भी होता है नर्सिंग में, गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर नर्सेस की ज़रूरत हमेशा है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी है। तो नर्सिंग करके ना कोई खाली नहीं बैठेगा, ये पक्की बात है, उसको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी, चाहे से कम सैलरी होगी बट जॉब मिलेगी। और जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, आपकी सैलरी अपने आप बढ़ती जाएगी। ठीक है, ओके भाई, हम जो भी करियर ऑप्शन परस्यू करें ना उसमें थोड़ा सा सैलरी को भी देखकर चले ना बच्चों, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो चाहिए चाहिए लाइफ में, उसके बिना कैसे काम चलेगा, और आज के टाइम में तो आपको पता ही है। तो इसलिए मैं आपको इस बात पे जोर दे रही हूँ कि अपना बैकग्राउंड देखकर, अपना चारों तरफ की कंडीशंस देखकर डिसीजन लें। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हर ऑप्शन में बेस्ट कर सकते हैं, बट आपका जो इन्वायरमेंट है वो भी आपके थोड़ा सा साथ होना चाहिए। ठीक है, फार्मेसी में दो तरह के कोर्स होते हैं, या तो डी फार्मा दैट इज डिप्लोमा, और अगर ग्रेजुएशन करना है तो बी फार्मा। ठीक है, डिप्लोमा 2 साल का है, ग्रेजुएशन 4 साल का है। ग्रेजुएशन करेंगे तो उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एम फार्मा भी कर सकते हैं। ठीक है, देन लास्ट में आ जाते हैं हम वेटरनरी कोर्सेज पे बच्चों। वेटरनरी कोर्स जो भी बच्चों को लगता है कि यार मेरा तो मैंने तो शुरू से सपना देखा है, या फैमिली में कोई अच्छा किसी का वेट डॉग्स क्लिनिक है ना, बड़े बड़े लोग आपको पता है डॉग्स वगैरह रखते हैं तो वो उनको लेकर भी जाते हैं मंथली चेकअप वगैरह के लिए। तो अगर आपको लगता है मैंने ऐसा कुछ ड्रीम देखा है, अगेन यहाँ पर भी जॉब स्कोप बहुत लिमिटेड है, बट येस दिस इज़ एन ऑप्शन। अगर कोई फैमिली में है या आप खुद एनिमल लवर हैं तो आप इसमें बहुत अच्छा करियर परस्यू कर सकते हैं। इसके लिए अगेन कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है बच्चों। जो भी यूनिवर्सिटीज़ BSc कराती हैं अलग अलग, आप सर्च कर लेना, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं इसकी। जो भी यूनिवर्सिटीज़ BVSc कराती है, इसके कोर्स को कहते हैं BVSc दैट इज़ बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस। ठीक है, उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, डायरेक्ट ले सकते हैं। कुछ हैं जो नीट का स्कोर देखकर भी दे देंगी, नहीं तो 12th के बेसिस पर आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, इसमें UG कोर्सेज हैं, PG कोर्सेज हैं, PhD हैं, डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं। डन, इसमें देखो ये ना कि कुछ नीट के बेसिस पर देते हैं, कुछ ये, अब ये तो अलग से होता ही नहीं है, PG वाला होता है, उससे आपको अभी मतलब नहीं है। ठीक है, ओके बच्चों, इसमें आप एनिमल डॉक्टर, एनिमल पैथोलॉजिस्ट, एनिमल सर्जन, एनीथिंग, बट ऐसे फैसिनेटिंग वर्ड्स देखकर ऐसे नहीं सोच लेना कि चलो यार हम तो एनिमल सर्जन बन जाते हैं। ठीक है, पहले पता करो उसके बारे में प्रॉपरली कि वो फील्ड के लिए आप खुद को सही समझते भी हो या नहीं, देन ओनली गो इनटू दैट फील्ड। ठीक है, और इसके अलावा भी यहाँ पर ऑप्शंस ख़त्म नहीं होते हैं बच्चों। अभी जैसे नीट हो गया, JEE हो गया, इन सब में तो लिमिट होती है कि आपके पास ये वाला सब्जेक्ट होना चाहिए तो आप ये दे सकते हैं। बट अगेन आई एम सेइंग कि आगे जाकर जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, वो ग्रेजुएशन चाहे BSc हो, BVSc हो, कोई भी ग्रेजुएशन हो, BA भी हो ना अगर, वो भी बच्चा कर सकता है। साइंस के बच्चे को ज़रूरी नहीं है उसको लग रहा है मैं तो साइंस में फंस गया, नहीं आ रहा इंटरेस्ट, आप छोड़ो साइंस का फील्ड, आप आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज़ में कोई भी बढ़िया सब्जेक्ट लेकर साइकोलॉजी से BSc कर लो। बहुत सारे अलग अलग फील्ड हैं, पॉलिटिकल साइंस से कर लो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। आप 11th 12th से आपने साइंस लिया तो बाउंड नहीं हो गए कि आपको ज़िंदगी भर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही पढ़नी है, आप अभी भी अपना फील्ड चेंज कर सकते हैं। BCA भी करते हैं कई सारे साइंस के स्टूडेंट्स, येस अलाउड है BCA करना, BBA करते हैं, लॉ में चले जाते हैं। बट हर फील्ड का मैंने कहा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं, ऐसा नहीं कि वो कर रहा है हमने सुना है ये अच्छा है हम उसमें चल दिए,
जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो पहले पूरा रिसर्च करो, देखो आज के टाइम में हर चीज़ अवेलेबल है बच्चों गूगल पे, आपको समय निकालना है, ऑथेंटिक वेबसाइट से पढ़ना है, इधर उधर की चीज़ों पे यकीन नहीं करना है, ठीक है। अगर उसकी एक ऑथेंटिक वेबसाइट है तो वहाँ से पढ़ो, नहीं तो आपको जो भी आपके टीचर्स हैं आप उनसे थोड़ा गाइडेंस लें, वो ज़रूर हेल्प करेंगे आपकी, ठीक है। कोई भी आगे जाके मान लो किसी को रिपोर्टर बनना है, मीडिया मास कम्युनिकेशंस पसंद है, तो आप बिल्कुल उनके कोर्सेज कर सकते हैं, बट इस दम के साथ करना कि कुछ बन के दिखाएंगे। न्यूज़ एंकर बनना पसंद है, सपना तो देख लिया बट एफर्ट्स हो नहीं रहे हमसे, तो फिर क्या फ़ायदा, है ना। किसी भी फील्ड में जाओ, अपने आप को लिमिट मत करो, उस जो भी कोर्स करना है उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो एंड लिव योर ड्रीम। बस यही चीज़ें मुझे आपको समझानी थी कि ऑप्शंस ख़त्म नहीं हुए हैं बच्चों, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जस्ट हमें पता नहीं होता है इनके बारे में। तो मैंने कोशिश की कि आपको जो भी ऑप्शंस यहाँ पर हैं उनके बारे में बता दूँ, ठीक है। और इन सभी ऑप्शंस में से मैंने आपको कहा कि अगर आप नीट के लिए ड्रॉप लेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो तैयारी सिर्फ नीट की है, उसी सेम सिलेबस के थ्रू आप नाइजर, आप आई, ये जो हमने देखा IAT का एग्ज़ाम हो गया, है ना, CUET का हो गया, चलो ठीक है, अगर आपको मैथ से एक फाउंडेशन लगता है आप छोड़ो एक बार को उन्हें, CUET से तो कितनी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, BHU, AMU सब में एडमिशन मिल रहा है बच्चों, है ना, DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब में एडमिशन मिल रहा है। CUET की हमारी वेबसाइट अलग से बनी हुई है, आप उस पर जाकर विजिट करना, आपको पता चल जाएगा कंपटीशन CUET पे कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ पे CUET के थ्रू हम जा सकते हैं। तो ये सारे एग्ज़ाम की तैयारी एक ही नीट से हो जाएगी आपकी, ओके। तो हम ना नीट की आपको जो प्रिपरेशन कराते हैं उसके लिए हमारा जो नया बैच है बच्चों वो 16th May से स्टार्ट हो रहा है। अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, उसको लगता है यस आई कैन फाइट, आई कैन गिव अ चैलेंज टू मी, तो आप ज़रूर से एक बार एक बेटर फ्यूचर के लिए कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कहीं से भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप ज़रूर से एक बार मन लगा के नीट की तैयारी करें, क्योंकि नीट के साथ ये सारे ऑप्शंस जो मैंने आपको बताए इन सब की भी तैयारी होगी। नहीं मन है अभी एडमिशन ले लें, और मन है तो एक बार नीट देकर जो भी आपका स्कोर है, क्या पता मेडिकल में ही आप पहुँच जाएँ, आपका सपना ही पूरा हो जाए, तो आप अपना सपना पूरा करें, नहीं तो जो दूसरे ऑप्शंस हैं वहाँ एक बहुत अच्छी जगह आप पहुँचें। सिर्फ खुद को थोड़ा सा एक मौका देने का एक ट्राई ज़रूर करें, ये मैं आपको कहना चाहूँगी, ठीक है। अगर ये बैच आपको लेना है बच्चों तो ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, इसका जो डिटेल वीडियो है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, आप वहाँ से इस बैच की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में ये बैच स्टार्ट हो रहा है, यू कैन एनरोल एनी टाइम। कोई भी और तरह की आपको हेल्प चाहिए, कुछ क्वेश्चन है, मन में डाउट है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, आई विल गाइड यू, ओके, गुड बाय।